ध्यान दीजिए, भगवान जी का आज का पाठ कहिए या आशीर्वाद कहिए, क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु? जो है फर्ज तेरा कर उस पर अमल, के तर के अमल से न बेहतर अमल, अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल तेरे बदन का किया। जो है फर्ज तेरा कर उस पर अमल, आहा के तर्क के अमल से कर की तरफ है। भगवान जी इस बात पर मेरे दिल को अब एकाग्र है ना, आने का पूरा लाभ उठा लो मेरे सजनों। जो है फर्ज तेरा कर उस पर अमल, अपने फर्ज की पहचान, अपने कर्तव्य को देखना बड़ा मुश्किल है। आजकल के विचित्र एवं विलक्षण समय के अंदर पर भगवान की आप सब पे कृपा है, हम लोग अपने फर्ज की पहचान में कामयाब हो जाएंगे। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने बड़ा अच्छा सोचने का ढंग बताया, हम कर्म क्षेत्र में आए ही क्यों, तो यहीं से पता लग जाएगा मेरा फर्ज क्या। हजारों से पूछो, लाखों से पूछो, लेकिन ये भी कोई प्रश्न है, मेरा फर्ज पढ़ना है, कमाना है, शादी करना, बच्चे बनाना, उनको पढ़ाना लिखाना है, मर जाना। किरणों से पूछे, उनकी यही रूटीन है, पढ़ना, कमाना, शादी करना, बच्चे बनाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देना, उनकी शादी कर देनी और खुद काल का ग्रास बन के निकला जाना बस। लेकिन नहीं, भला हो अपने उच्च कोटि के महापुरुषों ने जिन्होंने हमें कुछ तरीका बता के हमारी विचार प्रणाली, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग एकदम बदल। वो कहते रहे भी तुम कर्म क्षेत्र में आए तो, कर्म क्षेत्र अर्थात जो हमारी कर्म करने की भूमि है, फील्ड ऑफ एक्शन, हम इसमें क्यों आए? हम कर्म करने के लिए तो नहीं आए, आए गए क्या? हम कर्म करने के लिए आए नहीं। जब भी कोई कर्म करता है तो उसका कोई ना कोई मतलब, उद्देश्य या मिशन होता। जले लर को ले यूं ही धक्के खाते फिरती हैं गधों की तरह या आवारा पशुओं की तरह, वरना एक लेमैन कॉमन मैन यानी सामान्य पुरुष कोई ना कोई कारण लेके कर्म करता है। तो हम औरों से नहीं पूछते, हम अपने से पूछते हैं, मैं कर्म क्यों कर रहा हूं? मैं जो कर्म करती रहती हूं सारा दिन, रसोई में, आंगन में, फिर बाथरूम में, कपड़े धोने में और भोजन तैयार करने में, हर एक आते उनसे मिलने जुलने में, पति के साथ व्यवहार कर, पुत्र के साथ व्यवहार कर, दी के साथ व्यवहार कर, फिर वो जवाई आ जाती है अजीब किस्म के, उनके साथ व्यवहार कर, नाचाने पर कई कर्म कर, ये इतना चक्कर क्यों? कर्म क्षेत्र में इतना तरद्दत क्यों? गहराई में देखा जाए तो हम देखते हैं ये सब कुछ तो हो रहा है जीवन के दिन आराम से काटने के लिए, कि मैं जो भगवान से मांग के लाया हूं दिन, क्यों? मेरी कुछ कामनाएं है, मेरी कुछ इच्छाएं है, उसको मैं पूरी करना चाहता हूं, पूरी करके मुझे क्या मिलेगा? खुशी। जाने अनजाने में कोई गंभीरता पूर्वक चिंतन करे तो हमारे सब कर्म प्रसन्नता के लिए, तो प्रसन्नता कहां से मिलती है? अब ये नहीं लोग जाने, अब ये भगवान कैसे सहन कर रही है कोई जाने, सारे जवाब यही देते हैं जो हम आए हैप्पीली, ग्लैंडली, पीसफुली, कॉमली, यू अनेक शब्द लगा देंगे, हम अपने जीवन के दिन कॉमली और क्वाइटली गुजारने आए, तो ये कामनेस और क्वाइटनेस मिलेगी कहां से? ये आंतरिक शांति मिलेगी कहां से? कहते पढ़ने से, कमाने से, शादी करने से, हर एक का यही जवाब आएगा, अर्थात बहुत संख्या व्यक्ति यही बोलेंगे, मेजोरिटी इसी की तरफ। लेकर हम कहती हैं अगर यही बात है तो सारे शांत क्यों नहीं, सारे कचेरे गंभीर क्यों है, क्यों दिन पर दिन दुख बढ़ते जा रहे हैं? अर्थ ये निकलता है कि इनमें शांति नहीं है, इन बातों में, कमाना, पढ़ना, कमाना, शादी करना, बच्चे बनाना, इसमें तो कोई शांति, इनमें शांति है नहीं, तो शांति कहां है? पर जब जीव यहां के खड़ा हुआ और अपने आप को उसने जोर दिया, फिर पता लगता है शांति है, घर तो परमात्मा है और मैं कहां धक्के खा रहा हूं? बलदेव नगर तो पूरब की तरफ है और मैं कहां जा रहा हूं? कभी दक्षिण की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी पश्चिम की ओर, तो बलदेव नगर मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। है शांति कहीं,
चक्कर कहीं काट रहे हैं। फिर हमारा उद्देश्य क्या हुआ? शांति प्राप्त करना, कहां से? भगवान से। यही हमारा फर्ज हो गया। हमारे सब अनुभवी महर्षियों ने यही कहा, तुम्हारा एकमात्र फर्ज है शांति प्राप्त करना। कहां से? भगवान से। तो फिर भगवान से शांति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति के बिना नहीं, प्रेम के बिना नहीं, उपासना के बिना नहीं। भगवान से कोई धन देके हमें भक्ति नहीं मिलेगी, है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर भगवान से भक्ति कैसे मिलती है? संसार को समय के मन संसार से हटा लेने के बाद। संसार में रहना बुरा नहीं, संसार को अपने मन में रखना बुरा, ये बात तुम जरूर समझ लो। संसार में तो हम कहीं भी चले जाए संसार में रहेंगे, लेकिन संसार को मन में नहीं रखना। इनके साथ व्यवहार करेंगे, जो हमारे कर्तव्य इनके प्रति पूरे कर देंगे, इनको मन में नहीं रखेंगे। बड़ी निराली और विलक्षण बात है। जितने हमारे रिश्ते निभाएंगे लेकिन इनको मन में नहीं रखेंगे, इनकी चारा नहीं करेंगे, इनके साथ आसक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए आए गए, ये भी अपने कर्म करके जाने वाले गए। जितने भी रिश्ते नजर आते हैं एडहॉक बेस पर है, एडहॉक बेस। जैसे कोई बड़े आपस से छोटे आपस में आता है एक विशेष कार्य को लेकर, एक विशेष पीरियड के लिए, विशेष काम किया, फाइलों से नकलें तैयार की, चल दी। ये भी जीव कुछ एक विशेष कार्य के लिए संसार में भेजे गए हैं, विशेष कार्य किया, चल। इसलिए ये इतबार करने योग्य नहीं है, वो भगवान की जात है जो विश्वास करने योग्य है। बस हमारा एक ही फर्ज हुआ भक्ति का, एक ही कर्तव्य। तेरा फर्ज क्या गए रख उस पर नजर, या इधर फरमा रहे हैं आज के इस पाठ में, जो मेरे प्रभु जो है फर्ज तेरा कर उस पर अमल। अब हमारा फर्ज ये लोगों को पता ही नहीं, फर्ज तो है शांति रहना, शांति मिलती है भगवान से, इसलिए भक्ति करना हमारा कर्म है। लोगों को कोई भूल भलैया पड़े हुए, इसलिए उनके दुख उनकी चिंता है, उनके फिक्र बढ़ते चल जा रहे हैं। हमारा एक हिस्सा में रख लो, मैं आपसे कह रहा हूं भक्ति करना। भक्ति क्या होती है? चारों ओर से मन हटाकर एक में लगाना, उसी का चिंतन करना, उसी के उपदेश के अनुसार जिंदगी काटना। भगवान कहते हैं यही भक्ति है, यही उपासना है। नामे ध्याय का 22वां श्लोक और 22वां तो भी आधा श्लोक हमारी पूरी मन करता है भक्ति का हो। नामे ध्याय का 22वां श्लोक बता रहा है भक्ति का है। जो करती है खालिश, खालिश इबादत क्या है? शुद्ध इबादत क्या है? यकते में जीव में लगा ये। आगे तो भगवान ने वचन दे रखा कि ऐसो की जरूरियात जिंदगी सब मैं ही पूरी क्या करूंगा। जो अपने मन के बांटते नहीं है, बटे हुए मन को जो इकट्ठा करके महाराज में लगा देती है। सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, बटे हुए मन को जो एक में लगा देती है भगवान में, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब ही होता है जिसका मन विभक्त नहीं, विभक्त होता है डिवाइडेड, भाग से फिर उसका भाग किया, विभाग, डिवीजन, सब डिवीजन। जिसका मन सब डिवाइडेड नहीं है बल्कि कंपैक्ट एज ए होल लगा हुआ एक में, उसको भक्त कहेंगे भगवान का। यक दिल हो जी में न रखे दुई, कितना क्लियर किया है। अनन्य चिंतनता माम, ये जना परिपास, अन्य की ओर अब मन नहीं जाता जिसका, वो भक्त है। बहुत कमाल किया व्यास जी का, तो हम सब पे बड़ा भारी उपकार है, बड़ा भारी उपकार है। भगवान ने अधर्म की रक्षा चक्र से की और धर्म की रक्षा लेखनी से की। लेखनी के रूप में व्यास जी में व्यास रूप में प्रकट हुए और चक्र रूप में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। दोनों ही भगवान के अवतार माने जाती है, भगवान वेद व्यास और भगवान कृष्ण। ये आए अधर्म के दूर करने के लिए और आतायु का नाश करने के लिए, वो आए लेखनी से धर्म का बोलबाला करवाने के लिए, धार्मिक व्यक्तियों को और भी आगे ले जाने के लिए। तब भगवान का अवतार पूरा माना जाएगा। अगर व्यास जी को साथ नहीं मिलाते तो भगवान का फिर अधूरा अवतार। बुरों को भलों से, भलों को नहीं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, तो भले आदमी क्या बने, वो व्यास जी की तरफ से। भगवान तो बुरों को जहां से मिटाने आए, लेकिन भलों को भगवान व्यास की कलम से, वो भलों को बुरों से बचाता मैं, फिर आगे राह दिखाता हूं, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, ये व्यास की तरफ से। सो देवियों, ये हमने अपने मन में रख लेना है। सजनों, ये हमेशा के लिए रख लेना है कि मेरा फर्ज क्या है? क्या? भगवान की भक्ति करना। उससे जो मन की आंतरिक भावना पूरी रहेगी, शांति, आराम,
चैन करार, ये में महाराज जी सीखो, महाराज जी की मनोपली या एकाधिकार ये जरूर अपने मन में रख लो। बड़े बड़े पढ़े लिखो की मत मारी गई, उनको पता ही नहीं। सर मैंने अभी भी कर, उनको यही धुन संवार है, बहुत पढ़ जाओ, बहुत कमा लो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मेरा अपना मकान बन जाए, बस कोई घूमने फिरने के लिए कोई वाहन या स्कूटर मिल जाए, बस इतने छुट्टी। तो फिर क्या होता है, ये सारा कुछ कर लो लेकिन मन बेचैन रहेगा, बेकरार है। ये भगवान ने बार बार कहा, अगर भगवान को निकाल देंगे अपने में से तो बस फिर जी बहुत ही बेचैन बेकरार। ये बात एकांत में जब बच्चे मुझे चले जाए करे, श्रीमान जी अपने घर से कारोबार में जाए, एकांत को तो विचार किया करो। जब भी मेरे प्रभु आपको एकांत दे, दिन में रात में दोपहर में, इसी तथ्य पर विचार करो कि मेरा कल्याण केवल भगवान की भक्ति में है और ये जो मैं कर रहा हूं ये केवल कर्जे उतार रहा हूं, ये किस्तों द्वारा थोथरा करके पत्नी को दे रहा हूं, बेटों को दे रहा हूं, बेटी ये मेरे कर्जे हैं, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे बहन भाई है या मेरी पत्नी, मेरे अपने बच्चे है, कर्जे उतार रहा हूं, ये दे रहा हूं। असली फर्ज मेरा भगवान की ओर है। भगवान ने बड़ा क्लियर किया, ये सिर पर जो तेरे फर्ज है, ये फर्ज एक कर्ज है, ये उतार रहे। जो जीनियन हमारी ड्यूटी है वो भगवान की ओर, और भगवान की ओर हमारा क्या कर्तव्य है, भक्ति कमाना, ताकि हमारा जीवात्मा उनकी ओर जाके अपनी अधूरी कामना क्या अशांति को दूर करके शांति लेकर पूरी करे और उनकी जात में समा जाए। ये अपने मन में रख लो बेटे, भक्ति कमाने ही हमारा कर्तव्य है। हम हर एक से पूछ ले ये क्यों कर रहे हो, शांति शांति उनसे मिलनी कोई नहीं, शक लाखों कमा लो, शक सारी फर्ज पूरे कर लो, इससे शांति तो है नहीं। जो मर्जी कर लो कि तुम्हारा यही फर्ज कर लो, शांति मिलती है क्या, बिल्कुल नहीं। बेचैनी बेकरारी परेशान ख्याली से आए न सो, परेशानी रहेगी उनके पास। इसलिए ठंडे चित्त होकर एकाग्र मन से ये सदा के लिए निर्णय कर ले, भक्ति कमाना ही मेरा फर्ज है। तो आज का पाठ करेंगे, जो खाए फर्ज तेरा कर उस पर, हमारा फर्ज एक ही आवाज आए अंदर से, भगवान की भक्ति कमाना मेरा अव्वल, मेरा दो, मेरा सोम फर्ज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरी ड्यूटी है भगवान की भक्ति। उसके बाद साथ कह रहे हैं कि कर्म छोड़ देने की बजाय भक्ति करना अच्छा, कर्म छोड़ देंगे तो भगवान की बात तेरी बनेगी नहीं, शांति मिलेगी नहीं, भक्ति के माध्यम से तेरी बात बनने वाली है। तो कर्म भी करना है तो क्यों ना भगवान के नाम पे करे, भगवान ये कहना चाहते हैं। जब कर्म किए भी नाम रह नहीं सकते तो क्यों ना भगवान को बीच में मिला के कर्म करे, अपने प्रभु को बीच में रख के कर्म करे, शाबाश। जब कर्म ही करना है तो हमारा अधिकार से हमारा लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा, दोनों ही बन जाएंगे। आगे अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, अगर कोई कहे कि मैं सारे कर्म छोड़ दूं तो शरीर नहीं टिक सकता, शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर रहता ही इसलिए है कि कर्मों में जुटा जाए, लगा जाए। सब कर्म छोड़ देने के बाद शरीर जिंदा नहीं रह सकता, शरीर रोगी हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने जगह जगह जोड़ दिए है, उंगलियों में जोड़ है, जिधर भी देखो आधे आधे जोड़, आगे सारा पंजा खत्म होता है पीछे जोड़, ऊपर जाते हैं फिर यहां जोड़, ऊपर देखते हैं फिर यहां जोड़, तो जहां जोड़ गए वो जुटा रहे, लगा रहे। लेकिन कितनी अच्छे भाग्य है अगर शरीर की ये जोड़ अपने मालिक के संग जुड़े रहे, ये जोड़ भगवान के संग जुड़े रहे। ये जैत क्यों है, जीजा इसको भी जैत बोलती है, हाँ, तो ये भगवान के संग जॉइंट हो, देन दीज जॉइंट आर वेरी वेरी यूजफुल, इफ दे आर जॉइंट विद ऑलमाइटी, ऑलमाइटी के साथ जॉइंट हो, उनके साथ मिले रहे, ये भगवान कहना चाहते हैं। और हमारा फर्ज फिर भगवान कह रहे हैं, हमारा रोम रोम से बोले मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति कैसे सिरे चढ़ती है, उनके उपदेश के अनुसार बुद्धि मन और तन को चला, तब भक्ति की हमारी भावना पूरी जाएगी, बुद्धि से मन से तन से। आमतौर पर लोग तो भगत है नहीं, अगर है तो सिर्फ शारीरिक भगत है, गए टल खड़काया महाराज जी का नाम लिया, चरणामत लिया, चल बस। ये भगवान के लाखों भगत है, टल खड़काने वाले और मंदिर से चरणामत लेने वाले बस। और आगे भक्ति तो मन का विषय है, मन बुद्धि का विषय है, ये जाता है कोई कोई तन द्वारा तीर्थ यात्रा कर आएंगे, मन को नहीं बदलते, बुद्धि को नहीं बदलते। इनको जाने में बड़ा शौक है, तीर्थ यात्री भी देखा करो,
आने में ये चूर हुए होते हैं, नाना प्रकार की बातें बनाकर अपनी श्रद्धा को कम कर लेते हैं। इसलिए चाणे कहती हैं बरातियों को और तीर्थ यात्रियों को जाति बार दिखा करो आती बार नहीं। आती बार के लोगों पर शिकवे शिकायत गिले मर गई है, थक गई है, रोटी नहीं मिली, चेनी को नहीं मिली, बंदरों ने तंग कर मारिया, ये शिकवे देते हुए आती है। बराती भी यही हाल होता है, कोई ज्यादा कदर ही नहीं की, वहां खाने पीने का अच्छा प्रबंध ही नहीं था, और जाते हुए देखो कितने शौक से गाते हुए बजाते हुए कितने झूमते हुए जाती है। सचमुच ये दोनों चीज यात्री और बराती जाने वक्त देखनी योग है, आने वक्त में आने वक्त इनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, दुख हो दुख पा के आते हैं। इन तरीकों से बात बनती नहीं तो आप रख लो, भगवान की कृपा से हमने भी अपने मन में बिठा लिया है, आप भी बिठा लो, मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान की भक्ति। अच्छा कैसी भक्ति करूं, जैसे मेरा कोई कहता है मैंने कमाना है, खुद भी क्या करेगा, मैं सर्विस करूंगा, फिर मैं तो बिजनेस करूंगा, कमाना तो निश्चय हो गया, लेकिन कैसे, दो ही तरीके है, या तो वो नौकरी करे हाँ, और या वो अपना कारोबार करे, बिल्कुल ठीक। अब मन में निर्णय हो गया कि मैंने भक्ति कमानी है, कैसे, भगवान के उपदेश को जीवन में डालकर, महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन में उतार लेना, बस ये भक्ति, ये भक्ति में बढ़ती जाएगी, उनके उपदेश के अनुसार हमारा मन चारों ओर से अपने आप को हटाता जाएगा, बिल्कुल हटा लेगा, तो मालिक में जोड़ देगा, बस ये अब निर्णय हम सारे के सारे कर, जितना भी जीवन रह गया था अफसोस न क्या करूं था, जीवन एक दिन का था 100 दिन का, मैंने भगवान की भक्ति कमाई, अर्थात बुद्धि में ये पक्का रहा था तो मन में भगवान के सुपने भगवान के विचार और तन द्वारा जो भी काम होगा भगवान के फरमान को लेके होगा, फकत मेरी खातर तू हर काम, हमारी प्रत्येक क्रिया में भगवान की झलक, क्योंकि हम हर एक क्रिया भगवान के नाम पे करेंगे, हमारे मन में कोई कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, यही एक कामना सारी कामना को खा जाती है, भगवान की भक्ति की कामना मेरी देवियों संसार की नाना प्रकार की कामना को चबा जाती है, नाना प्रकार की कामना चबा जाएगी, ये जबरदस्त कामना है भक्ति की। महापुरुष ने दृष्टांत देते हुए कहा एक कुएं में नाना प्रकार के कीड़े पड़ गए और पानी पीने के काबिल ना रहा, अब गांव वाले यानी ग्रामीण बहुत ही उदास हुए, कुएं तो एक ही है, अब करेंगे क्या, तो सियाने के पास गए, सियाने कोई बात नहीं, हाँ इसमें कछुआ डाल दो, कछुआ सारे कीड़ों को खा जाता है, हाँ खुद जिंदा रहता है, पानी साफ हो जाता है, इस तरह भगवान की भक्ति का भाव सारी कामनाओं को खा जाता है। बड़ा चली शांति, अगर कुएं में कछुआ डाल दी जाए तो जहरीले कीड़े सारे खा जाएगा, क्योंकि कीड़े कछुए की खुराक है, और पानी निर्मल रह जाएगा, पीने के योग्य होगा, पेय हो जाएगा। इस तरह जिस किसी नेक भक्त या प्रभाग देवी के अंदर भक्ति की कामना खड़ी हो गई, सारी संसार की कामना खत्म, ऐसी जबरदस्त ये कामना है जी कि संसार संबंधी सब कामना समाप्त हो जाती सब। इसलिए परमात्मा ने कहा फिर अवस्था क्या बनती है, ख्याल उसके बस, पहले यही ख्याल में बेचैन बेकरार बना रहे थे, पति पत्नी के ख्याल, बेटे बेटी के ख्याल, अपने इर्द गिर्द के ख्याल, भविष्य के ख्याल और अतीत के ख्याल, ये सब हैरान कर रहे थे, अब केवल वर्तमान में रह के वो भगवान की भक्ति के माता, कितनी अच्छी बात, भगवान की भक्ति संसार संबंधी सब संकल्प विकल्प, संसार संबंधी लालसाएं, संसार संबंधी कामनाएं, इच्छाएं, आइच्छाएं सब समाप्त कर देती, बस यही हमारा फर्ज। एक आप भी बैठ के विचार करते रहना, जब भी फुसल घड़ियां मिल जाए करे, सोचो मेरा एक ही कर्तव्य है भक्ति कमाना, बाकी ये कर्तव्य गौण है, कमाना धमाना बच्चे बच्ची की सेवा करना इसे कहेंगे सेकेंडरी या गौण, अब मेरा मुख्य कर्तव्य भगवान की भक्ति करना। अब आपके लिए मुख्य ये अपने हमारे लिए तो सिर्फ एक ही रही है, यही मुख्य गौण कोई नहीं है, आपके दो कर्तव्य जाती है मुख्य और गौण, क्या प्रमाउंट ड्यूटी एंड सेकेंडरी ड्यूटी, प्रमोट ड्यूटी तो आपकी भक्ति कमाना है और सेकेंडरी ड्यूटी आप ये जो कर रहे हैं कमाना, बाल बच्चों को निगरानी करना, उनको पैरों पर खड़ा करके अपने लौकिक कर्तव्य को पूरा करना, अब यह है पारमार्थिक कर्तव्य, जो सत्संग में आती है भगवान की वाणी को समझती है अपनाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करती है और भगवान चुपके 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 आपकी पूरी सहायता करती है, शाबाश। इसके बाद कर्म योग के अंदर भगवान जी आगे बढ़ने लगे, ये क्या बताने जा रहे, गए ये बताने जा रहे हैं तन काम में मन रहे ध्यान में
कि संसार मन में न जाने पाए, संसार बाहर रहे पर मन में न जाए, संसार बाहर रहे मन में न जाए, शाबाश, ये न खराब करे। माँ बाप की गृहस्थी मुझे याद आती कभी कभी, क्या तुम वो घर में रोटी बना रहे हैं, घर में कर रहे गए, हाँ बड़े दरवाजे को अर्गल लगा होता था, लकड़ी का अर्गल, तो जो भी आता घर में अर्गल लगा के, अर्गल को आप हुड़का बोलते थे, वो लकड़ी का बड़ा होना यूं डाल दिया, अब कुत्ता आके दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई बिल्ला कोई कुत्ता या कोई और चीज आके आंगन में खराबी नहीं मचाएगी। हाँ तो अर्घ लगा दो, स्त्री भक्ति संसार की वासना कामना का अर्घ आके हमारे मन को अपवित्र नहीं करे, ये गंदी वृत्तियां कुत्ते से जो बदतर है ये आकर के खराब नहीं करे। जिसने अपने अंदर भक्ति, जिसने अर्घ लगा दिया, कुत्ते इत्यादि नहीं आएंगे। दूसरा आवाज लगा के आता है, हम कहते भी अर्घ लगा हुआ है खोल ले, अच्छा मैं आता, अर्घ लगा के फिर अर्घ खोल के अर्घ लगा के फिर अंदर आएगा। इस तरह मेरे सज्जनों मेरी देवियों, ये तो हमने जान लिया, क्या मैंने जीवन भर भक्ति कमानी है तो मेरा दैनिक जीवन बाखुशी व्यतीत होगा। इनको नहीं मन में रखना, ये बड़ी हिम्मत दे, इनका चिंता नहीं करना, संसार को मैंने अपने मन से निकाल देना, संसारियों से यही गलती हुई, संसार में रहना बुरा नहीं, संसार को अपने में रखना बुरा, संसार में रहना बुरा नहीं, संसार को अपने में रखना बुरा। याद रखना, गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहे रोटियां खाते रहे बुरा नहीं, पर किसी कुत्ते को उठाकर अपने घर में पालना ये बुरा, सब चीजों को बर्बाद करेगा। बाबा गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहे बुरा नहीं, पर अपने घर में पालना बहुत बुरा, संसार पार रहे पर संसार के प्राणी पदार्थों को अपने दिल में पालना, उनका चिंतन करना, उनके साथ राग द्वेष करना, अब बर्बाद होगा खराब। ऐसे कमबख्तों के लिए भगवान कह रहे हैं वो गिरते ही गिरते चले जाए, जिन्हें संसार को अपने मन में रख के उनका चिंतन ही शुरू कर दिया। ये पहले बताया जाता, ये श्लोक पहले माँ बाप समझाते, क्या लगाए जो महसूस तल्लुक पड़े उनसे और अगर तल्लुक से ख्वाहिश हो गंदी वृत्तियां शुरू हो जाएंगी। अगर आप भगवान का चिंतन न करके इस उसका चिंतन कर रहे होंगे, है ये बात हमारे से भी ज्यादा सीरियसली ले लो कि मैंने संसार के प्राणी का चिंतन नहीं करना, क्योंकि इनके चिंतन से काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, हंकार बढ़ेगा। चिंतन तो मन ने करना है, भगवान का चिंतन करें। जैसे हमें अकल में बिठा दी बात माँ बाप ने बाकियों ने कि भूख दूर करनी है तो रोटी से दूर करनी है, फल से दूर करनी है, दूध पी लेंगे ना कि मांस खाए, अंडे खाए, गंद खाए, ये नहीं खाना, इससे सेहत बर्बाद, भगवान नाराज, और ये जीव हत्या, ये बहुत बद्दुआएं देती है। हम हमारी बात में हो गई और हम क्या बन गए, हम शाकाहारी बन गए, मांसाहारी नहीं बन सकते, हम शाकाहारी बन गए। कोई लाख समझाते हैं, हम उनको बुद्धू कहेंगे जो शाकाहारी ना होकर मांसाहारी है, क्योंकि दादा तक ने हमारी बुद्धि बिठा दिया, जैसा अन्न वैसा मन, अन्न के साथ मन का और मन का अन्न के साथ बहुत ज्यादा संबंध है। अब ये बात गहरी उतर गई, इस तरह अब हम भगवान के पुजारी बनकर ये बात गहरी उतार रहे इस धर्म स्थान पे आकर, क्या मैंने जीवन भर भक्ति कमाई, और भक्ति कमाने का मतलब नाम रूपों का चिंतन करना, केवल 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 अपने इष्ट देव जी का चिंतन करना। इसके बाद फिर क्या होता है, अमल जिस कदर भी है यज्ञ सिवा, वो दुनिया को बंधन रखे, वो एक ये जात सबका यज्ञ पर लगा मन न रखो न पल पर। कैसे मैं संसार को अपने अंदर से निकालूं, ये तो भगवान ने कहा नाम रूपों का चिंतन ना हो। हाँ एक एक अंग गंदे विषयों के लिए न थरपे तो कर्म करे तो वो पूजा हो जाती है भगवान की, वर्क इज वर्शिप इस अवस्था में होती है। आप ये बात कैसी क्रियात्मक रूप दे, व्यवहारिक या क्रियात्मक या प्रैक्टिकल रूप कैसे दे, आप भगवान विस्तार कर रहे हैं। याद रखना कर्म योग के अंदर इसी का विस्तार है कि प्राणी पदार्थ मन में ना जाए, प्राणी पदार्थों में हम रह के अपने कर्म पूरे करें, लेकिन वो मन में ना घुसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो अब भगवान आगे कहने लगे,
अमल जिस कदर भी है या किसी बात वो दुनिया को बंधन में रख के सदा आदर्श रूप ले ले विचार करें। अमल कर्म यज्ञ के सिवा जितने भी कर्म है उससे जीव उलझ जाएगा, उससे जीव जैसे कोई रस्सियों से हमें कस डाले इस तरह उसका अंतरण कसा जाएगा। रोज विचार करें यज्ञ से कहते ये शब्द हमारे यहां हिंदू धर्म में बड़ा प्रचलित है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पर हमारे दिमाग में तो कुछ और रखा हुआ था। ये तो हमें पता था फलाने महात्मा जी यज्ञ कर रहे हैं तो हम ये समझते वहां पूड़ियां बांट रही होंगी, हलवा बांट रहा होगा, वहां पर खाने पीने के लड्डू और बड़े बड़े, हम लोग सुकून से पट्टे बस्तियां लेते हुए वही जाते जाए यज्ञ हो रहा। यज्ञ का मतलब हम ये समझते रहे पूड़ियां बांट रही होंगी, हलवे बांट रहे होंगे, लड्डू बांट रहे होंगे, खाने पीने चीजें बांट रही होंगी, कोई मीठा जल दे रहे होंगे। ये तो हमारे भगवान ने आके बताया यज्ञ क्या है। ध्यान से सुनना मेरी देवियों, यज्ञ किसे कहती है? अपने स्वार्थ को छोड़ के कर्म करना यज्ञ, स्वार्थ को निचोड़ के। ऐसे निपुदानी निबू को निचोड़ के उसका रस ले लेती है और भोग फेंक देती है, इस तरह स्वार्थ को छोड़ देता। ये आप कर सकते हैं, रजोगुणी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान रोकते हैं कि ये उपदेश रजोगुणियों को मत दो, तमोगुणियों को मत दो, उनका जीवन इसी वासना को पूरा करने में खत्म हो जाना। सत्वगुणी व्यक्ति की बुद्धि विकसित हो जाती है, बुद्धि की डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। तो भगवान बड़ी स्वच्छता भी दे रही है कि अगर यज्ञ के आधार पर कर्म न किया गया अर्थात कुर्बानी के पुतले बन के कर्म न किया गया उलझ जाए। अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखने सका। बंधन कई प्रकार के होते हैं, समय थोड़ा है, मैं हम अपने मानसिक बंधन को ले ध्यान देना। बंधन किसे कहते हैं? बंधन मेरी देवियों और सज्जनों कई प्रकार के। बंधन की परिभाषा कितनी अच्छी की गई, जिसके बिना हम ना रह सके वो बंधन। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, और ऐसे कई बुद्धू रोते हैं जाके ससुराल में नाराज होकर चले गए अपने मायके, वह रोते हैं तेरे बिना मेरा जीवन अच्छा नहीं है। बंधन, और आप रो के गए, आपने मुझे निकाल तो दिया पर आपके बिना मेरी मिट्टी पलीत है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। बंधन, बेटे जल्दी आ गया कर, तुझे देखे बिना मैं चैन नहीं आती, रोटी खाने का दिल नहीं करता। बंधन, जिसके बिना हमारा मन ना रह सके ओ सजनों उसे भगवान कृष्ण बंधन कहते हैं। जिसके बिना हम ना रह सके, हालांकि उसको काल खा रहा है, उसके दिन थोड़े गए, एक एक करके उनका दिन खत्म होता जा रहा है, फिर ये नलायक मन उनको चाहता है जो मौत का ग्रास बन रही है और कहते मैं नहीं रह सकता। अब क्या प्रभु कह रही है? भगवान माँ के, अब ये बात भगवान माँ के पेट में ना समझाते, नहीं समझाते क्या करें, या माँ बाप समझाते या क्रोध वो भी खत्म हो गए, माँ बाप भी ऐसे नहीं रहे, क्रोध भी ऐसे नहीं रहे, ये तो चारों ओर बीड़ा ही गर्क हो रहा है। तो फिर इंसान को बताया कहो, अनुभवी भी बहुत कम है, अनुभवी भी इतने ज्यादा नहीं मेरे बेटे, दिन बदन कल युग में अनुभवी यानी जिनकी पहुंच रब तक है बहुत ही कम होते जा रहे, बहुत बुलार बोलने वाले, ये भव्य कपड़े रंग लेने वाले, जलसों में खप मचाने वाले बतेरे नजर आए। रब तक जिसकी रसाई होगी ये बहुत कम, ताकि वो बताए उनका प्रभाव पड़े, इसलिए रब ने कहा होगा। पर कहा तो सही रब ने, अब रब को मैं कैसे कहूं? क्या फकत शास्त्र को बना रह लूंगा? तो शास्त्र को समझने के लिए तो रब कहता है मैं बुद्धि देता हूं, सिर्फ पढ़ने का नाम तो शास्त्र को समझना नहीं कि मैंने लिया और अध्याय पढ़ दिया, नहीं मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, तब हो जाती है मुझसे वासन हो। विवेकी बुद्धि चाहिए शास्त्र को समझने के लिए। जैसे मैंने अपने देश के पासपोर्ट बना लिया, बन गया, सब बने, शर्तें पूरी कर डाली, लेकिन क्या मैं इस तरह विदेश चला जाऊंगा? नहीं, उस देश का वीजा चाहिए, Allowed to enter, इसका एक शब्द है वीजा। You are allowed to enter in our country, आप allowed है कंट्री में जाने के लिए, allowed to enter the country, इसको वीजा बोलते हैं। अब इधर भी तो भगवान की विशेष बुद्धि दे, क्या वाणी को समझने के लिए, महाराज जी को समझने के लिए। उधर कहा जाता है राम की कृपा नहीं होगी तो रामायण समझ नहीं आएगी, इधर कह जाता है कृष्ण की कृपा नहीं होगी तो गीता तो समझो, मुझे रामायण को इतना नहीं पता, पर भगवान की कृपा ना हो तो गीता समझा।
पढ़ने का नाम गीता नहीं, सुनने का नाम गीता नहीं, गीता है क्या 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 अपनाने का नाम। तो अब क्या करें, अमल जिस कदर भी है जाग की सेवा, वो दुनिया को मंदिर में रख के चला रहे। अगर हम लोग ने कर्म स्वार्थ रहते होकर नहीं किया, निष्काम कर्म नहीं किया, उलझते जाएंगे, फंसते जाएंगे। कर्म तो कर्म की क्या मजाल मुझे फंसा सके, मैं बोल रहा हूं इसकी मजाल मुझे फंसा सके, ये तो बोले ही कर्म है ना, ये भी कर्म हो रहा है, ये मुझे फंसा सके, फंसाएंगे कब, मेरी हो पत्नी, मेरे हो बच्चे, मेरी हो जिम्मेवारियां, हाँ, और वो मुझे सामने नजर आए, हाँ, तब मैं बोले बिना रह ही नहीं सकेगा। तब हम किसी मंदिर में तीर्थ में जाके मेरी वृत्ति क्या होगी, कृष्ण पर नहीं होगी, मेरी वृत्ति क्या होगी, मेरी वृत्ति कमाने पे। हार्दिक हार्दिक आशीष। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
संत सुखिना सभी संतु निरामया सभी भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।